भाई मैंने करोल बाग में ही बता दिया था पैसेंजर को, जी आपके वहाँ पे गलियाँ बहुत छोटी छोटी हैं, वहाँ गाड़ी नहीं जा पाएगी, अगर चाहे तो आप कैंसिल कर सकते हो। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, मैं विक्की खत्री अपने चैनल एबी कैब वाला के नए व्लॉग में करता हूँ आपका बहुत स्वागत। टाइम हुआ सुबह के 8:40, तो अभी मैं करोल बाग जैसे हर रोज का अपना यही काम है, मैं आया हूँ गाड़ी साफ कराने के लिए और मेरा पिकअप है 9 का यही करोल बाग से ही। जो पैसेंजर की ड्यूटी मैंने कल किया था 8 घंटे 80 किलोमीटर का, वही पैसेंजर का आज सेम ड्यूटी है। तो भाइयों चलो आज देखेंगे पैसेंजर आज कहाँ कहाँ जाएंगे और कितने बजे तक फ्री हो पाएंगे, तो ड्यूटी तो आज भी सेम है। तो भाई चलो आज का ब्लॉग फिर से स्टार्ट करते हैं करोल बाग से, गाड़ी अभी वॉश हो रही है, वॉश होने के बाद निकल जाऊंगा पिकअप की। ड्यूटी आ गई है करोल बाग से रोहिणी ओला पे, तो भाई मैं जा रहा हूँ अब दिल्ली हाइट्स मेट्रो विव होटल, पिकअप लोकेशन है जो मेरा, वहाँ से जाएंगे रोहिणी। तो भाई देखते हैं कौन पैसेंजर है और करते हैं उनसे बात, फिर पिकअप करने के बाद करते हैं ड्रॉप और मिलते हैं पैसेंजर से। तो भाई वीडियो ने लाइक और चैनल ने कर दो सब्सक्राइब, भाई खेल दो मीटर। तो चलो मिलते हैं भाई पिकअप लोकेशन पे पहुंच रहा हूँ, उसके बाद मिलते हैं पैसेंजर से। तो भाई पहुंच गए हैं अपने पिकअप लोकेशन पे और आप ओला को करते हैं क्लाइंट लोकेट और 5 का इंतजार रहता है, 5 में पैसेंजर नहीं आते हैं तो आप ड्यूटी कर सकते हो कैंसिल, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी और उल्टा आपको जो भी उनकी 22 के आसपास फीस होती है वो आपको मिलता है वापसी। अगर 5 तक पैसेंजर नहीं आती तो आपकी ड्यूटी कैंसिल करते हैं या अगला पैसेंजर कोई कर देता है। पहले तो कर देता हूँ पैसेंजर को कॉल और करते हैं वेट, फिर क्या होता है, कहाँ जाएंगे रोहिणी में कहाँ जाना है, तो देखते हैं। अभी तो करते हैं वेट, उसके बाद निकल जाएंगे रोहिणी के लिए पिकअप करके। ओटीपी बताना, ओटीपी जो जाओ आप निकलते हैं। इसको भी नहीं दिया था, ओटीपी बता दीजिए एक बार, ओटीपी बता दे। एक सेकंड मैं फोन निकाल रही हूँ। 4141 चार जने थे, ये तो अंदर गली में दिक्कत आएगी जी, वहाँ देख लेना। अब यहीं से पीछे नहीं पेट्रोल लगता है, विजय विहार में वो नहीं बन गया, बन गया ना, दूसरी साइड से चले जाएंगे, किसी भी साइड से होगा, गली में गाड़ी नहीं जा पाएगी ये जी, वहाँ बहुत बड़ा इश्यू होता है। गली के अंदर बिल्कुल नहीं जाना भैया, जस्ट एंटर पे है, एंटर करके तीसरी बिल्डिंग ही है, ठीक मैं पार्किंग से मुड़वा दूंगी गाड़ी। तो भाई ड्यूटी का तो हो गया एंड, करोल बाग से रोहिणी विजय विहार। तो भाई मैंने करोल बाग में ही बता दिया था पैसेंजर को, जी आपके वहाँ पे गलियाँ बहुत छोटी छोटी हैं, वहाँ गाड़ी नहीं जा पाएगी, अगर चाहे तो आप कैंसिल कर सकते हो ड्यूटी। तो बोले नहीं भैया हमारा तो एकदम रोड पे ही है और आप चलो कोई इश्यू नहीं है। तो भाई जैसे ही यहाँ पे पहुंचा तो गली तो वही माशाल्लाह भाई कति बीड़ी सी गाड़, और बोले जी बस ये तीसरा ही मकान है यहाँ पे, ले चलो अंदर मगा जी, तीसरा ही मकान है तो यहीं से उतर जाइए ना। और उनका सबसे बड़ा इशू था उसका, उनकी गली में चल रहा था काम, रोड का काम चल रहा था बनाने का, तो उसमें गाड़ी कैसे जाती है। तो भाई पैसेंजर से खूब हुई जिद बहस, ओला में ना सिर्फ एक यही इश्यू है, बाकी तो सब कुछ ठीक है, ओला में सिर्फ एक यही दिक्कत है, पैसेंजर को गाड़ी चाहिए एकदम घर के सामने, भले ही 2 छोड़ के उसका घर हो वो वहां तक नहीं जाएगा और ना ही आएगा। तो भाई मेरी तो जिद बहस जबरदस्त हुई पैसेंजर के साथ और मैं तो गया ही नहीं, माँ जी ओला में बात करिए नहीं जा पाएंगे गाड़ी में, गाड़ी मुड़ने की जगह नहीं, आप उतर के अपने घर चले जाओगे और भाई ड्राइवर रहेगा परेशान। तो भाई मैं तो गया नहीं और मेरी तो यही सलाह, अगर गाड़ी आपकी मुड़ने की जगह नहीं है गली में, गली छोटी है, तो आप भी भाई थोड़ा देखो, क्योंकि फंसने के बाद भाई सवारी तो अपना सामान लेके घर के अंदर और ड्राइवर आगे पीछे देखता रहेगा, ना कोई मुड़वाने वाला होता ना ही मोड़ने की जगह होती है, मोड़ने की जगह हो तो किसी के मुड़वाने वाले की जरूरत नहीं, ड्राइवर खुद ही इतना एक्सपर्ट होता है कि भाई मोड़ लेगा। तो भाई इस बारे में थोड़ी जिद बहस भी हो गई है पैसेंजर से, वैसे मैं मेरी 100 में से करीब 99 बंदों से अच्छी तरह ट्यूनिंग रहती है, मगर कोई कोई तो भाई मिल ही जाता है, जैसे सब ठीक नहीं होते हैं तो कोई ना कोई इश्यू आ जाता है। तो भाई मैंने सामान उतार दिया गली के बाहर ही और अपने पेमेंट जो है, बिल बना है 414 का, जो स्क्रीन पर आप देख रहे होगा ये पेमेंट उन्होंने कर दी है,
और अपना भाई मैं हो गया हूँ फ्री। अब मेरा पिकअप है 11:30 बजे लोकल ड्यूटी के लिए, तो भाई उस ड्यूटी में कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे करेंगे बात आपसे। भाई ओला में गाड़ी लगाओ और कमाओ बढ़िया तरीके से, जैसे मेरी आज जिद बहस हुई है पैसेंजर से, ऐसे किसी से नहीं करनी है, जहाँ तक आपका कंट्रोल हो वैसे। तो भाई ओला में गाड़ी लगानी है आपने, उबर में गाड़ी अटैच करानी है या नई गाड़ी लेनी है तो कौन सी लेनी चाहिए और किस तरीके से काम होगा। ओला उबर के अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं, एक वीडियो मैंने बनाया है, जो जो कंपनियां हैं और भी बहुत सारी हैं, मगर जिन जिन कंपनियों में मैं गाड़ी चला रहा हूं उनका मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वो देख लेना आप, कौन सी गाड़ी और किस किस कंपनी में आपको लगानी चाहिए, तो आपको इधर उधर काम मांगने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और भाई एक बाकी मेरा पर्सनल ये नंबर तो है ही आपके पास, अगर मेरे पास आपको आपके पास गाड़ी है और ड्यूटियों का ही कुछ इशू है तो आप भाई मेरे को कॉल करो, नंबर आपका सेव करके मैं जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा बुकिंग आती है अगर आपके एरिया से होगी और आपके मतलब की ड्यूटी होगी तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाएगा। तो भाई मेरी बुकिंग में सिर्फ एक ही शर्त है, कमर्शियल गाड़ी, ऊपर कैरियर होना चाहिए और भाई ड्राइवर रूट का एक्सपर्ट होना चाहिए। नए ड्राइवर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गूगल मैप तो है ही अपने साथ, मगर उसका व्यवहार ठीक रहना चाहिए पैसेंजर से, क्योंकि भाई व्यवहार ठीक रहेगा तो आपको ही दोबारा कॉल करेगा और आपका ही काम बढ़ेगा, उसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। तो भाई ऐसे वीडियो और छोटी मोटी जानकारियों के वीडियो देखने के लिए तो भाई मेरे चैनल ने आप कर लो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन कर दो ऑन, और इस वीडियो ने तो लाइक करना ही करना है आपका, तो इस वीडियो को तो आपको लाइक करना ही करना है, साथ में चैनल भी कर दो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो ताकि भाई सबसे पहले वीडियो आपके पास आए। तो भाई मिलते हैं अगली ड्यूटी में अगले पैसेंजर के साथ, उम्मीद है आगे किसी से जिद बहस होगी नहीं आज दिन में, तो मिलेंगे नई ड्यूटी नए पैसेंजर और नई जानकारियों के साथ। तो भाई भाई को दे इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, आपका वीडियो देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद।